ये कहानी है भूतिया होटल के कमरा नंबर 307 की। सुनील और उसका दोस्त रवि गोवा घूमने जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। काफ़ी रात हो चुकी थी और आसपास कोई गैरेज भी नहीं था। सुनील और रवि ने सोचा कि आज रात होटल नहीं पहुंच पाएंगे, यहीं आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही गोवा चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में इधर उधर होटल ढूंढने लगे। काफ़ी रात होने की वजह से कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो किसी होटल का रास्ता पूछ सकें। कुछ देर बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। सुनील ने उससे होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। सुनील ने बूढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। दोनों ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाने के बाद उन्होंने काउंटर पर एक खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने कमरे की चाबी सुनील को दे दी। सुनील और रवि चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था 307। हर मंजिल पर चहल पहल थी। दोनों का कमरा तीसरी मंजिल पर था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। इन दोनों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए दोनों कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कमरा बहुत गंदा है। ऐसा लग रहा था जैसा कि कई सालों से कमरा बंद पड़ा है। वहां ना पीने का पानी था ना नहाने का पानी। सुनील ने होटल के स्टाफ को फ़ोन किया। किसी ने फ़ोन उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी सी हंसी के बाद फोन कट गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फोन पर कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सुनील ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है, ना तो यहाँ पीने का पानी है ना नहाने का पानी, पूरा कमरा धूल से भरा हुआ है। आप जल्दी से यहाँ आओ और ये सब ठीक करवाओ। स्टाफ ने इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। सुनील ने जवाब दिया, कमरा नंबर 307। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए सुनील से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। सुनील ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ डरते हुए आवाज़ में बोला, सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। सुनील ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछना, बस अभी आप कमरे से बाहर निकल जाओ, वहां आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही सुनील और रवि कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सुनील ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पर भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी उस रूम की लाइट चली गई। सुनील और रवि अब समझ गए कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों बहुत डर रहे थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था, सफाई और पानी के लिए मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी से फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर कॉल आया। सुनील ने कॉल उठाया, कॉल स्टॉप का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं। सुनील ने जवाब दिया, नहीं कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है, वो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने सुनील से बोला,
सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत हो सकती है। ये सुनते ही दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रुको, हम लोग आपको बचाने के लिए ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की आवाज़ भी आ रही थी, इसलिए दोनों ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी ही नीचे आ गए। सुनील ने काउंटर पर देखा पर वहां पर कोई दूसरा स्टाफ था जिसने सुनील को चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिख रहा था। ये सारी बातें सुनील ने वहां के लोगों को बताई। उन लोगों ने सुनील से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 307 में रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो उन लोगों को ही परेशान करती है जो 307 नंबर के कमरे के पास जाता है। पता नहीं आज आप लोगों को कैसे उस कमरे तक ले गई। दोनों सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपनी कार ठीक करवाई और होटल की ओर चल दिए। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।